सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के T3 अल्ट्रा 5G डिवाइस के अंदर अपने फोन के अंदर अपने कीबोर्ड लैंग्वेज को चेंज कैसे करेंगे। गाइस अगर एज अ बाय डिफॉल्ट आप इंग्लिश कीबोर्ड यूज करो, अगर उसको हिंदी करना चाहते हो तो नो डाउट आप यूज कर सकते हैं। वेल गाइस उसके लिए हमें ओपन करना होगा अपने कीबोर्ड को। कीबोर्ड आप किसी भी लोकेशन पे यूज कर सकते हैं, लाइक दैट कि आप जो हो कोई एप्लीकेशन यूज करते समय यूज कर सकते हैं या फिर नॉर्मली आप जस्ट कीबोर्ड को ओपन करना है। तो मेरे केस में कीबोर्ड हमने ओपन कर दिया और बाय डिफॉल्ट इंग्लिश हमारा सेलेक्ट है, तो उसके लिए सेटिंग्स वाले आइकन पे प्रेस करना है। देन इस टाइप से इंटरफेस आपको मिल जाता है, यहाँ टॉप नंबर पे ही ऑप्शंस मिल जाता है लैंग्वेजेस, इसको आपको प्रेस करना है। देन इस टाइप से इंटरफेस आता है, अकॉर्डिंग टू कंट्री आप लैंग्वेज इसके अंदर सेट कर सकते हैं। इसके लिए एडेड कीबोर्ड पे जाना है, तो इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ लैंग्वेज मिल जाती है, ऑलमोस्ट सारी की सारी लैंग्वेज है जो भी आपको यूज करना है। जैसे मुझे हिंदी लगाना है तो हिंदी वाले पे क्लिक करूंगा, इस तरीके से इसके वे आ जाएंगे, जिसमें एक राइट वाला भी ऑप्शन होता है, कुछ भी ड्रॉ करते हो तो वो भी टाइप होता है, जिसको हम लिखावट यहाँ पे हिंदी में दिख रहा है। तो अगर ये भी कर रहा है तो बॉक्स को चेक मार कर सकते हो, सब साथ में एक साथ कंबाइंड कर सकते हो, बिकॉज हमें ये चाहिए नहीं तो हम हिंदी को एज अ डेमो ही यूज कर रहे हैं, इसको डन कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा। अब अपने कीबोर्ड को ओपन कर रहा है एंड यहाँ पर एक आइकन होगा लैंग्वेज वाला, इसको एक बार प्रेस करेंगे एंड अगेन प्रेस कर देना है, तो ये जो कीबोर्ड लैंग्वेज है वो प्रॉपर हिंदी हो जाएगा, देन आप इसको यूज कर सकते हो। हाँ, अगर किसी को डिलीट करना है फिर से तो सेम प्रोसेस को फॉलो करना है एंड इस पेंसिल साइन पे क्लिक कर देना है एंड जो हमने लैंग्वेज ऐड करी उसको डिलीट जस्ट इस तरह से कर देना, और ये लैंग्वेज आपके फोन से इजीली सक्सेसफुली डिलीट भी हो जाएगी। तो इस तरीके से लैंग्वेज को चेंज करते हैं वीवो के T3 अल्ट्रा 5G डिवाइस के अंदर।